ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋੜਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 38 ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਮਰੀਕਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਟਾਏਗਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ अमेरिका के उगे बिजनेसमैन दर्शन सिंह धालेवाल नूं दिल्ली एयरपोर्ट तो भेजा गया वापस जायज दस्तावेज होने के बावजूद दाखले तो किया इनकार कैलीफोर्निया च कामियां की घाट कारण बंदरगाहां ते समान लाउण विच हो रही देरी 1 नवंबर तो आस्ट्रेलिया खोलेगा विदेशी यात्रा लई दरवाजे कैलगरी की पहली पंजाबी मेयर ने संभालिया अहुदा ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी नवी कैबिनेट का ऐलान कर दिता है ओटावा विखे हुए सहुं चुक समागम विच प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अपने नाल 38 मंत्री शामिल किए हैं जिन्हां विच भारतीय मूल के 3 संसद मैंबर भी इन्हां विच हन हरजीत सिंह सज्जन कमल खैरा और अनीता आनंद नूं कैबिनेट मंत्री बनाया गया है इस बार अनीता आनंद नूं हरजीत सिंह सज्जन की थां ते रक्षा मंत्री बनाया गया है हरजीत सिंह सज्जन नूं अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री नियुक्त किया गया है जबकि कमला खैरा पहली बारी मंत्री बनी है जिसनों बजुर्गों की मंत्री बनाया गया इस दे नाल ही 2015 तो ट्रूडो के मंत्री मंडल में शामिल रही वाटरू हल्के तो संसद मैंबर बरदीश चग्गर नू इस वारी कैबिनेट विच नहीं लिया गया मार्क गार्नो ते जमकार भी इस वारी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए गए क्रिस्टिया फ्रीलैंड उप प्रधानमंत्री अते देश दे वित्त मंत्री बने रहेंगे सीन फ्रेजर इमीग्रेशन शरणार्थी अते नागरिकता मंत्री मेलानी जॉली विदेश मंत्री जीन एवस ब्लुक सेहत मंत्री उमार अलगाबरा आवाजाई मंत्री कारोलिन बैनेट मानसिक सेहत अमल अते सहायक सेहत मंत्री मैरी क्लाउड बीबीयू खेतीबाड़ी ते खेती खाद पदार्थ मंत्री बिल ब्लेयर प्रिवरी कौंसल दे प्रधान रेंडी बॉन्सनाल्ट सैर सपाटा अते सहायक वित्त मंत्री मोना फोर्टीए खजाना बोर्ड दे प्रधान कारीना गोल्ड परिवार बच्चों अते समाजिक विकास मंत्री स्टीवन गिलबोल्ट वातावरण मंत्री पैटी हस्टू आदिवासी मामले अते मार्क हॉलैंड सदन विच सरकार दे आगू बने हन अहमद हसन नूं मकान विभिन्नता अते शमूलियत दा मंत्रालय दिता गया है गुड्डी हचिंग्स पेंडू विकास मंत्री मारसी ईएन औरतां लैंगिक समानता ते यूथ मामले हेलेना जेकजेस तखणी ओंटारियो लई फैडरल आर्थिक विकास एजेंसी दे मंत्री डेविड लामेटिनिया अते कानून मंत्री डोमिनिक लेब्लांक अंदरूनी सरकारी मामले डियान लिबिथोलिए माल मंत्री लॉरेंस मोकेल साबका फौजियां अते सहायक रक्षा मंत्री मार्को मेंडीचिनो जनतक सुरक्षा मंत्री मार्क सिमलर सरकार आदिवासी संबंधित मंत्री जॉयस मूरे मच्छी सागर अते तट्टी मासले मंत्री मैरी एन जी अंतरराष्ट्रीय व्यापार निर्यात अते छोटे कारोबार अते आर्थिक विकास मंत्री सेम्स ओरेगन कृत मंत्री जिनेट पैटेपास टेलर भाषा मंत्री कार्ला कोत्रो रोजगार मंत्री पाबलो रोडरी गुएज विरासत मंत्री बनाए गए हैं 2015 ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ अमेरिका पूरी तरह नाल कोविड-19 रोकू टीका लगवाने वाले भारतीय नागरिकों समेत सारे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों लिए 8 नवंबर तो सारिया पाबंदियां हटा लवेगा पर यात्रियों नूं जहाज विच सवार होने तो पहला करोना वायरस नाल पीड़ित ना होने का सबूत दिखाना होगा व्हाइट हाउस ने यह ऐलान किया है जारी ताज़ा यात्रा दिशा निर्देशों विच जांच के बारे में नवे प्रोटोकॉल भी शामिल हैं सुरक्षा मजबूत करने लई टीका ना लगवाउण वाले यात्री भावें अमेरिकी नागरिक कानूनी स्थायी निवासी होण जां बिना टीका लगवाउण वाले विदेशी नागरिकां दी छोटी संख्या वाले लोग होण उन्हां नूं प्रस्थान करन दे एक दिन दे अंदर जांच करवाउणी होएगी
प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने पत्रकारों को दसिया इस नवी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा व्यवस्था तहत विदेशी नागरिकों को अमेरिका आने लई पूरी तरह टीका लगवाने की जरूरत है। नवी व्यवस्था विच जांच की जरूरत होनी, संपर्क विच आए लोगों का पता लगाने की प्रणाली मजबूत होने के नाल ही मास्क लगवाना भी शामिल है। देश विच अमेरिकियों अते अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की सुरक्षा बढ़ाने लई विज्ञान अते जन सेहत ते आधारित सख्त सुरक्षा नियम ने। अधिकारी ने दसिया कि 8 नवंबर तो गैर नागरिक गैर प्रवासी हवाई यात्रियों अमेरिका आने लई टीके की पूरी खुराक लैनी होएगी। अमेरिका आने वाले जहाज विच सवार होने तो पहला कोविड 19 टीकाकरण का सबूत देना होएगा। इस दे नाल ही अमेरिका सारे देशों अते खेतर लई सारियां यात्रा पाबंदियों नूं हटा देगा। एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी ने दसिया कि बाइडन प्रशासन ये यकीनी करन लई एयरलाइनां नाल मिल के काम करेगा कि इस नवी व्यवस्था नूं सफलतापूर्वक लागू किया जाए। विदेश नागरिकां दी यात्रा लई टीकाकरण की जरूरत नूं 18 साल तक की उम्र के बच्चों नूं छूट दिती गई है। 2 से 17 साल की उम्र के बच्चों नूं प्रस्थान तो पहला जांच करवानी होगी। व्हाइट हाउस ने कहा कि जेकर कोई बच्चा टीके की पूरी तरह खुराक लै चुके बालग नाल यात्रा कर रहा है तो वह प्रस्थान तो 3 दिन पहला जांच करवा सकता है। जेकर टीके की खुराक ना लैण वाला बच्चा इकला जा टीका ना लगवाण वाले बालग नाल यात्रा कर रहा है तो उन्होंने प्रस्थान के 1 दिन के अंदर जांच करवानी होगी। नवी दिल्ली विखे खेती बिलों नूं माफ़ करवाउण लई धरने ते बैठे किसानां दी मदद कर रहे भारतीय अमेरिकी अरबपति दर्शन सिंह तालीवाल नूं नवी दिल्ली विच उतरन दी आग्या नहीं दित्ती गई। शिकागो तो उड़ान भरन वाले तालीवाल नूं कथित तौर ते दिल्ली हवाई अड्डे ते कहा गया सी कि उस कोल जायज़ दस्तावेज़ होण दे बावजूद उसनूं भारत विच दाखल नहीं होण दित्ता जाएगा। दर्शन सिंह तालीवाल अनुसार मैनू भारत विच उतरन दी इजाजत नहीं दित्ती गई क्योंकि मैं किसानां दे अंदोलन दा समर्थन कर रहा हाँ। मैं जनवरी तो सिंघू विखे लंगर चला रहा हाँ अते मैं हर 3 महीनों बाद उन्हां नूं मिलन जांदा हाँ। शनिवार नूं जदों मैं एयरपोर्ट तो उतरिया तां मैनू जायज़ दस्तावेज़ होण दे बावजूद दाखले तो इनकार कर दिता गया। उन्होंने कोई कारण नहीं दस्या। उसने दावा किया है उन्होंने मैनू 5 घंटे तक इंतजार किया अते मैनू शिकागो ले 1:30 बजे की फ्लाइट विच बिठाया। पंजाब दे एक IPS अधिकारी AS राय ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे ते रिपोर्ट मिल गई है। ADGP इंटेलिजेंट AS राय ने कहा असीं इस मामले नूं दिल्ली कोर्ट उठावांगे। दर्शन सिंह तालीवाल पत्नी नाल अपनी भतीजी चरणजीत सिंह रखड़ा दी पुत्री दे व्याह विच शामिल होण लई आ रहे सन। इस तों पहलां भी 2 या 3 वार उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट ते काफ़ी परेशान अते तंग किया गया पर 2-3 घंटिया की खज्जल खुआरी तो बाद उन्होंने दिल्ली तो पंजाब जाने की आग्या दी जाती सी पर इस बार अजिहा नहीं किया गया। कैलीफोर्निया दियां वड्डियां बंदरगाहां उपर वर्करां दी घाट कारण समुद्री जहाजां चों समान लाउण विचों हो रही देरी दे सिट्टे वजों सप्लाई ते मंग विच पाड़ा वध रहा है जिस कारण खपतकारां नूं वध कीमतां देणियां पै रहियां ने। लॉस एंजलस ते लोंग बीच बंदरगाहां उपर दर्जना कंटेनर शिप समान लाउण लई अपनी वारी दी उड़ीक कर रहे ने। अमेरिका की बहुकौमी निवेश बैंक ते वित्तीय सेवावां देण वाली कंपनी गोल्डमैन सच ग्रुप इंक दे एक अनुमान अनुसार इन्हां दो बंदरगाहां उपर ही $24 अरब तो वध दा समान समुद्री माल वाहक जहाज विच भरिया पिया है। सितंबर महीने विच लॉस एंजलस ते लोंग बीच बंदरगाहां उपर तकरीबन 1/3 कंटेनरां नूं खाली करन लई 5 दिनां तो वध समां उड़ीक करनी पई सी। कंपनी ने चेतावनी दिती है कि जेकर इस संबंधी कोई कारगर कार्रवाई ना कीती गई तां इस संकट अगले साल भी बड़े रहण दी संभावना है। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਟੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
जिसने पिछले साल मार्च तो ज्यादातर आस्ट्रेलियाई लोगों नूं घर विच फसाया होया है। आस्ट्रेलिया ने महामारी की शुरुआत विच दुनिया च कुछ सख्त यात्रा पाबंदियां पेश कीतियां, नागरिकां नूं देश छड्डण लई छोट लई अर्जी देनी पई। मॉरिसन ने फैडरल सरकार नूं नागरिकां नूं विदेश जाण दी आग्या देण दा भरोसा देण लई देश दी शानदार टीकाकरण दर दा सिरा दित्ता। उन्हां आस्ट्रेलियन लोकां नूं कहा, अज मैं तुहानूं दस सकदा हाँ कि आस्ट्रेलिया की पहली खुराक टीकाकरण की दर हुण यूनाइटेड किंगडम नालों वध है। बहुत वधिया आस्ट्रेलिया। मंगलवार तक 16 साल तो वध उम्र के 87.1% आस्ट्रेलियना ने एक खुराक ली है और 74.1% पूरी तरह टीकाकरण करा चुके ने, जदों की किसी नूं भी 1 नवंबर तो बिना किसी छोट के आस्ट्रेलिया छड्डण की आग्या दी जाएगी। सिर्फ नागरिकां, स्थाई निवासियां और उन्हां दे नज़दीकी परिवारां नूं देश विच दाखल होण की आग्या होएगी। कैनेडा दे कैलगरी शहर दी पहली पंजाबी मेयर ज्योति गोंडक ने सौं चुकण मगरों अहुदा संभाल लिया है। नवी मेयर नाल 14 कौंसलां ने भी सौं चुकी, जिन्हां विचों 11 पहली वार चुने गए ने। कोर्ट ऑफ क्वीन दे बेंच जस्टिस जोहन रूक ने मेयर अते कौंसलरां नूं सौं चुकाउण दी रसम अदा कीती, जबकि ज्योति दे पति टॉड ने चेन ऑफ ऑफिस उन्हां दे गल विच पाई। ज्योति गोंडक ने कहा कि कैलगरी शहर दी नवी कौंसल दूरदर्शता अते हौसले नाल काम करेगी अते शहर दे हर वसनीक नूं विकास दे राह ते अगे वधदिआं रख्या जाएगा। उन्होंने कहा कि नवी कौंसल नूं हां पक्षी तरीके नाल अगे लिजाणा उन्हां दी जिम्मेवारी बनदी है। असीं सारे चंगी तरह समझदे हां कि कैलगरी वासियां नूं साडे तों की उम्मीदां ने। मौत दे बिल्कुल नेड़े पुज चुके नौजवान नूं अपणियां पग्गां नाल बचाउण वाले सिख नौजवानां नूं कनेडा पुलिस ने सन्मानित करन दा ऐलान कीता है। रिज मैडोज दी रायल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने कहा कि सिख नौजवानों ने ना सिर्फ अपनी जान दाते ला के एक अनजाण शख्स की जान बचाई, बल्कि सिख धर्म विच बेहद सतिकार दस्तार नू जोड़ के रस्सी बनाउण विच देर ना कीती। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के सुपरिटेंडेंट वैंडी मैहट वालों मैपल रिज के दफ्तर विच सिख नौजवानों का बहादुरी पुरस्कार नाल सन्मान किया जाएगा। दस दईए कि ब्रिटिश कोलंबिया के गोल्डन ईयर्स प्रोवेंशियल पार्क विच दरिया के तेज़ वगते पानी तो दूर रहने लई संघर्ष कर रहे नौजवान दीआं चीकां नेड़े लंघ रहे सिख नौजवानों ने सुनिया तां तुरंत मौके ते पहुँच गए। उन्होंने दस्या कि नौजवान एक पहाड़ी की ढलान ते दरिया के बिल्कुल खड़ा है अते बगैर सहारे तो वापसी करनी संभव नहीं। सिख नौजवानों कोल उस वेले कोई रस्सी जां कोई होर चीज़ नहीं सी जिसके सहारे उस नौजवान की जान बचाई सकती सी। उन्होंने बगैर देर कीत्यां अपनियां पग्गां उतारियां ते इन्हां नूं आपस विच जोड़ के नौजवान तक पुजदा कर दिता। नौजवान नूं बाहर निकलण दा सहारा मिल गया अते उसकी जान बच गई। राष्ट्रपति जो बाइडन मंगलवार नूं दक्षिणी एशियाई राष्ट्रां दे संगठन नाल अमेरिकी रिश्तेदारां नूं मजबूती देण लई 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की पहल करनगे। व्हाइट हाउस वालों ये जानकारी दी गई। बाइडन मंगलवार को 10 मैंबरी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के एक डिजिटल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 2017 तो बाद पहला मौका होएगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इस संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस तो पहला डोनाल्ड ट्रंप ने इस विच हिस्सा लिया सी। इस सम्मेलन अजिहे समय विच हो रहा है जद चीन दे राष्ट्रीय सुरक्षा अते आर्थिक विरोधी दे तौर ते वधन दे मद्देनज़र बाइडन प्रशांत खेतर विच अमेरिकी मौजूदगी नूं मजबूती देण दीआं कोशिशां विच जुटे हन। इस फंड नाल सेहत, नवीं जलवायु पहल, कोविड कारण विगड़दे आर्थिक हालात नूं पटड़ी ते लियाउण अते सिक्ख्या प्रोग्रामां ते पैसे खर्च कीते जाणगे। भारतीय अमरीकी संसद मैंबरां की अगवाई विच राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन के चोटी के मैंबरां अते देश भर के भारतीय भाईचारे के मैंबरां का एक समूह अमेरिकी कांग्रेस के टैंपल ऑफ डेमोक्रेसी विच दिवाली मनाउण लई इकट्ठा होया। अमेरिकी कांग्रेस विच ए दृश्य अमेरिका के समाजिक सियासी लैंडस्केप विच इस छोटे पर प्रभावशाली भाईचारे के उभार नूं दर्शाउंदा है। संसद मैंबरां ने अमेरिका के विकास विच भारतीय अमरीकियां के योगदान की शलाघा की है अते कोविड-19 तो बाद दी दुनिया विच दिवाली दे महत्व नूं उजागर कीता है।
US सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने प्रोग्राम विच कहा, असी पिछले लगभग 2 सालों तो एक विश्वव्यापी महामारी का सामना कर रहे हाँ, जिसने साड़ी जिंदगी नू पूरी तरह बदल दिता है। मैं अते साड़े विचों बहुत सारे परिवारक मैंबर अते दोस्त गुआ चुके हाँ। मैं जानता हाँ कि तुहाड़े विचों बहुत सारे लोगों ने भी इहो दर्द झल्लिया, भावें वह इत्थे रहिंदे परिवार नाल संबंधित होवे, तुहाड़े परिवार का भारत विच बसना दा होवे, जां प्रवासी जां दुनिया विच किते भी रहण वाले प्यारियां नाल असी बहुत कुछ सहण कीता है। उन्होंने अगे कहा, पर पिछले कुछ सालों विच जिस चीज़ ने मैनू सब तो वध चिंतित किया वह है अदिख महामारी जिस विच असी रह रहे हाँ। यह ध्रुवीकरण की महामारी है जिथे ये महसूस किया जाता है कि लोग एक दूजे के विरुद्ध हो गए ने, जिथे वो एक दूजे को दुश्मन समझते ने, एक दूजे को बुरा भला कहते ने, एक दूजे के खिलाफ हो गए ने। यह एक वक्री किस्म का हनेरा है। कैपिटल हिल विच दिवाली समारोह का आयोजन इंडिया स्पोरा द्वारा कई भाईचारक संस्थावां दे सहयोग नाल आयोजित किया गया सी। पिछले साल 10,000 तो वध लोग नफरती अपराध का शिकार हुए ने, एक खुलासा FBI ने अपनी सालाना रिपोर्ट विच कीता है। सिरफिरे लोगों ने यह धर्म अपराध जात नसल लिंग जां अंगहीणता नू आधार बना के किते, जिस कारण निर्दोष लोगों नू पीड़ित होना पिया। रिपोर्ट अनुसार पिछले साल 2020 दौरान 7,700 तो वध नफरती अपराध दीआं घटनावां वापरियां, जो 2019 दी तुलना विच 450 ज़्यादा हन। FBI अनुसार असल विच इह घटनावां किते ज़्यादा हन क्योंकि बहुत सारियां एजेंसियां ने अपने खेतर विच होए नफरती अपराधां बारे रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करवाई। 2008 तो बाद पहली बार 2020 दौरान सब तो वध नफरती घटनावां 7,783 दर्ज होईयां। शाहफाम लोगों उपर हमलों दियाँ घटनावां जो 2019 विच 1972 सन पिछले साल बढ़ के 2871 हो गई। एशिया मूल के लोगों विरुद्ध पिछले साल 279 नफरती अपराध दियाँ घटनावां वापरियां, जिन्हों की 2019 विच गिणती 161 सी। यहूदी लोगों विरुद्ध नफरती हमलों की गिणती घटी है। रिपोर्ट अनुसार 2019 विच यहूदियों उपर 963 हमले हुए, जो 2020 विच घट के 683 रह गए। जात नसल जां पिछोकड़ नूं लै के होए हमलों विच रिकॉर्ड वाधा होया। 2020 विच जात नसल जां पिछोकड़ नूं आधार बना के 8,052 घटनावां वापरियां, जबकि 2019 विच इह गिणती 3,954 सी। रिपोर्ट अनुसार 61.8% पीड़ितों नूं उन्हां दी जात जां नसल कारण निशाना बनाया गया। FBI अनुसार 2020 विच 20% घटनावां लिंग नूं आधार बना के वापरियां। अमेरिका विच कोरोना वायरस महामारी दे लगातार वध रहे मामलों कारण इत्थे पीड़ित लोगों की गिणती 4,55,44,949 हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए अंकड़ों मुताबक अमेरिका विच हुण तक 7,37,316 लोगों की कोरोना लाग कारण मौत हो चुकी है। कैलीफोर्निया 48,54,041 केसा नाल सब तो वध पीड़ितों वाला सूबा है। इस तो बाद 42,14,936 केसा नाल टैक्सास का नंबर आंदा है। फ्लोरिडा विच 36,78,661 मामले, न्यूयॉर्क विच 25,37,823, इलिनोइस विच 1.6 मिलियन तो वध केस हन। यूनिवर्सिटी मुताबक 10 लाख तो वध पीड़ितों वाले होर राज्यों विच जॉर्जिया, पेनिसवेलिया, ओयो, उत्तरी कैरोलिना, न्यूजर्सी, टेनेसी, मिशीगन ते एरीजोना शामिल ने। अमेरिका दुनिया भर विच COVID-19 महामारी नाल सब तो वध प्रभावित देश बनिया होया है। विश्व सेहत संगठन का एक तकनीकी सलाहकार समूह भारत की कोवैक्सीन के डाटा की समीक्षा कर रहा है। अजिहे कोवैक्सीन के एमरजेंसी इस्तेमाल वाली वैक्सीना की सूची च शामिल किए जाने जल्द फैसला लिया जा सकता है। WHO के एक बुलारन ने इसकी जानकारी दी है। मार्गरेट हैरिस ने UN प्रेस ब्रीफिंग विच पत्रकारां नूं कहा कि जेकर सारा कुछ ठीक रहिंदा है तां सारा कुछ ठीक तरह नाल हुंदा है, नाल ही कमेटी डाटा तो संतुष्ट हुंदी है। सानू 24 घंटियां दे अंदर इस वैक्सीन दी एमरजेंसी सिफारिश मिल सकती है। भारत विच लखां लोकां ने भारत बायोनटेक वल्लों घरेलू पद्धर ते तैयार कीती गई कोवैक्सीन नूं लगवाया है, पर WHO वल्लों मंजूरी ना मिलन कारण ओह अंतरराष्ट्रीय यात्रा नहीं कर पा रहे। रॉयटर्स की रिपोर्ट मुताबक WHO बुलारन ने कहा कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन की समीक्षा की जा रही है। WHO ने पहले इस गल्ल ते जोर दिता सी कि यकीनी
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬੋਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੋਇਸ ਦੇ 27 ਸਾਲਾ ਜੈਕਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ। ਜੈਕਬ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਇਸ ਸਥਿਤ ਨਾਰਥ ਮਿਲਵਾਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸਣੇ 4 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਿਆਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਆਨ ਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵੂਮੈਨਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਵੂਮੈਨ ਟੌਪ 100 ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜੱਗੀ ਸਹੌਤਾ ਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਆ ਮੁਖਰਜੀ, ਅੰਜੂ ਵਰਮਾਨੀ, ਭਾਵਨਾ ਸਚਦੇਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਤੇ ਅਨੂ ਵਿਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਗਸਟਨ ਦੀ ਕੁਈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ MBA ਪਾਸ ਜੱਗੀ ਸਹੌਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀ ਟੈਲਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਸਹੌਤਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੋਕੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਵੈਦ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੇਮੋ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ASAP ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਅੱਧਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਵੈਸਲ ਬਲੂਅਰ ਬਣੀ ਫਰਾਂਸਿਸ ਹੈਕੋਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਸਮੇਤ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਲਾਨਝੋਊ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੀਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 29 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 6 ਮਾਮਲੇ ਲਾਨਝੋਊ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਰ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਐਜਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਐਜਿਨ ਅਤੇ ਲਾਂਝੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 11 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
देश विच बुनियादी सहूलतां दी घाट है ते लोक भुखमारी नाल जूझ रहे ने। भोजन लई भुखा व्यक्ति किसी भी हद नूं पार कर सकदा है, इसे तरह एक अफगान परिवार ने किया। अपने बाकी बच्चों नूं भुख तो मरण तो बचाउण लई एक रिपोर्ट च उसकी पछाण का खुलासा नहीं किया गया। बच्चे नूं वेचण वाली माँ कहती है कि मेरे बाकी बच्चे भुखे मर रहे सन, इसलिए सानूं अपनी बच्ची नूं वेचना पिया। मैनूं इस लई बहुत अफसोस है क्योंकि वह मेरी बच्ची है। काश मैनूं अपनी धी नूं वेचण दी लोड़ ना पैंदी। कुड़ी दा पिता कूड़ा चुकण दा काम करदा है पर उस तों कोई पैसा नहीं कमाउंदा। उसने कहा, असीं भुखे हाँ, साडे घर ना आटा है ते ना ही तेल, साडे कोल कुछ नहीं। उन्होंने कहा, मेरी बेटी नूं नहीं पता कि उसका भविख की होएगा। मैनूं नहीं पता कि इस बारे किवें महसूस करेगी, पर मैनूं करना पिया। बच्चे की उम्र अजे कुछ महीने की है, जदों वह तुरना शुरू करेगी तो खरीददार उसनूं चुक लेगा। उस व्यक्ति ने बच्ची नूं खरीदण लई लगभग $500 का भुगतान किया। इस नाल परिवार कुछ महीनों लई अपना खर्चा पूरा कर सकता है। खरीददार ने परिवार नूं कहा है कि वह लड़की का विआह उसके लड़के नाल कर देगा, पर इस वादे ते कोई विश्वास नहीं कर सकता। रिपोर्ट मुताबक अफगानिस्तान च कई परिवार अजिहे ने जिन्होंने अपने बच्चों नूं वेच दिता जां बेचण लई तैयार हन। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कतलेआम मामले के गवाहों की सुरक्षा यकीनी बनाने के हुक्म दिए। चीफ जस्टिस एन वी रमना की अगवाई वाले बेंच ने यूपी सरकार वालों पेश किए सीनियर वकील हरीश सालवे और गरिमा प्रसाद को हदायत दी है कि CRPC की धारा 164 अधीन संबंधित गवाहों के बयान जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सामने दर्ज करवाए जाण। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि संबंधित जिला जज वालों गवाहों के बयान दर्ज करने की कार्रवाई यकीनी बनाई जाए और उनकी सुरक्षा को भी तरजीह आधार पर लिया जाए। अदालत ने यूपी सरकार को पत्रकार की हत्या के मामले में भी अपनी रिपोर्ट जल्द तो जल्द दाखिल करने आख्या। इस दे नाल ही अदालत ने वकील हरीश सलवे ने कहा, इलैक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की जा रही रिपोर्टों बारे उनां दीआं चिंतावां फोरेंसिक लैबोरेटरीज अते होरना मायरां तक पहुँचा दित्तियां जाण। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर ते पौंदिआं पत्रकारां दी हत्या अते कुट कुट के हत्या बारे आई दूजी शिकायत संबंधी वक्खो वक्खरियां रिपोर्टां दाखिल करन दी हदायत कीती। चेते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्तूबर नूं यूपी सरकार की झाड़ चंभ करदिआं अदालत ने कहा सी कि उह महसूस हो रहा है जिवें यूपी पुलिस जाण बुझ के कीड़ी की रफ्तार नाल अगे वध रही है। उह दिन वी अदालत वल्लों गवाहां की सुरक्षा यकीनी बनाउण दे हुकम दित्ते गए सन। इस सन हुण तक दीआं खबरां मैनूं वरुण कौर मानू दिवा गया। होर खबरां दे लई साडा यूट्यूब चैनल पंजाब मेल USA TV जरूर सबसक्राइब करना। सत श्री अकाल।